लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो 102 साल में तो हम ब्लॉग भी नहीं बना पाएंगे, हमें डंडा पकड़ के ऐसे चलना पड़ेगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। चलो अभी मैं जा रहा हूँ ले लूंगा, तो चलो निकलते हैं। ये वाला बाइक में जा रहा हूँ, ये वाला, और ले लूंगा मैं। चलो कहाँ जाते हैं, आज क्या क्या करते हैं देखते हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं तैयार व्यार हो चुका हूँ, बैग वैग पकड़ चुका हूँ। भैया पेट्रोल डाल दो। तो गाइस हम लोग डला लेते हैं पेट्रोल। कितना का डलाएंगे? मुझे 200 का डाल दे। तो हम लोग पेट्रोल वेट्रोल डला लिए हैं, भी निकल रहे हैं हम लोग फील्ड में। तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है आज हमारे साथ, आप भी बने रहो। हम लोग जा रहे हैं गाइस अभी जीजा के यहाँ, बड़े जीजा के यहाँ। वहाँ कुछ मेरा बैनर वैनर पड़ा था, मेरा फॉरेस्ट वाला, उसे लेके आना है और उसे ऑफिस में रखना है, क्योंकि उसे एडवर्टाइज के लिए भेजना पड़ेगा। और तो हम खुद भी जाते हैं, तो चलो जा रहे हैं अभी फिलहाल जीजा के घर। मेरा बैनर वैनर है ना। तेरे मम्मी लोग कहाँ गए? सब कोई भागे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा बैनर वो तो सलामत है, बाकी मैं उसे 3 साल हो गया यहाँ पर रखा था, अभी तक है। खोजना पड़ेगा ना, पूछेंगे। चल वहाँ जाके, दीदी लोग मूंगफली उखा रहे हैं वहाँ पे, थोड़ा सा वहाँ पे मिल के आते हैं। हम लोग आ गए हैं जीजा के पास। क्या काम चल रहा है जीजा? पेट्रोल ले जा रहा हूँ अभी। क्या बोलते हैं, धनिया लगा यहाँ धक्कड़ में। हाँ? उसमें अभी पानी सिंचाई करना है। गजब जीजा, हम लोग के साथ हेल्प करें। पूरा हेल्प करेंगे यार। तो चलो अभी जा रहे हैं हम लोग बैनर खोजने के लिए। बैनर खोजेंगे, आए थे जीजा के यहाँ, यहाँ मूँगफली का भाड़ी है यहाँ। इन लोग तो मूँगफली उखाड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं बिजी हैं इन लोग। तो यहाँ पे ऐसे वाला दरवाजा रहता है, ऐसे वाला, इसे निकालो, ये है दरवाजा। तो गाइस आप लोग के साथ एक छोटा सा शेयर करना चाहता हूँ। तो दीदी का शादी हुआ ना, तो पहले जमाने में अलमारी कैसे देते थे, तो ये देखो, ये है अलमारी, इसमें तो कुछ नहीं है, इतना छोटा सा। जब मैं इतना छोटा सा था ना, इतना छोटा, तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो मेरे को ये देख के याद आया, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ सोचा। इतना बड़ा सा, तो मैं कैसे करता था, ऐसे ऐसे देखता था, उस टाइम से मैं यहाँ रहता था। ये जो अलमारी है, इसे लगभग मैं छोटा सा था, तब से गाइस दीदी का शादी हो गया, बहुत छोटा सा था मेरी बड़ी दीदी का। तो और आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं सबके लिए करना चाहता हूँ, सबके लिए नहीं, अपने लिए, सबके लिए मैं करना चाहता हूँ कुछ ना कुछ, और बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो मैं इसीलिए इस बात को शेयर किया कि मैं इतना से था और आज इतना हो गया, देखो इतना इतना हो गया। तो कुछ ना कुछ करेंगे जरूर दीदी लोग के लिए भी। तो यही है दीदी लोग का घर, बड़ी दीदी लोग का घर। हम लोग जो खोज रहे थे, वो दीदी लोग बोले खोज लेना करके, बट मिल नहीं रहे। मिला, हाँ मिला बैनर, इतना ज्यादा मिला। ये देखो बैनर ये मिला इतना सारा, लेकिन इसमें ना एड्रेस पूरा, ये कलर उड़ चुका है, एड्रेस पूरा गलत है। तो हम सोच रहे हैं इसे नहीं लेंगे, छोड़ देते हैं इसे, हम दूसरा बनवाएंगे। नहीं है यार ना, एड्रेस गलत है, नहीं लेते हैं यार उसको, छोड़। क्या करेगा चिपका के, फालतू रोड के लिए पहुंच जाएंगे सब। नंबर से तो मतलब है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चलो चाबी लाए थे दीदी लोग के घर का, तो उसे छोड़ने जा रहे हैं अभी मूंगफली बाड़ी, फिर उसके बाद निकलेंगे। तो मैं आ गया हूँ अभी छोटे दीदी के यहाँ, और मैं आप लोग को मिलाता हूँ मेरे प्यारे प्यारे भांजा लोग से। हेलो बाबू। हेलो। क्या कर रहा है? कितना मस्त प्यार से बात करता है। ये बहुत बदमाश है गाइस, बहुत ज्यादा बदमाश है, हमेशा मोबाइल में चिपका रहता है। यही क्या कर रहे हो दीदी? ये खाना बना रही है दीदी। क्या सब्जी बन रहा है आज? एक दिन पता है हम लोग आए थे, तू था ना, गणेशी के साथ आए थे, आप नहीं थे, आप धान काटने गए थे। चल यार चला, इसका पैर नहीं है, पैर नहीं है इसका, तो कैसे करेगा? ओ दे, टूट गया, नया बिछाएगा। हाँ यार नया बिछाएंगे यार, ले तो चला के दिखा कैसे चलाते हैं। यहाँ हम लोग आज सुबह सुबह ये वाला भाजी खाए, ये वाला करेला भाजी, इतना बहुत ज्यादा कड़वा, लेकिन मैं खा दिया दवाई बोलते, कड़वा नहीं लगता है इसमें कुछ मिला नहीं। ये वाला
ऐसे क्या? तो दीदी अभी बना रही है चावल मस्त। किसके लिए बना रहे हो? और मिलिए ये आंटी से, 102 साल 102 साल हो गया कि कितना? सही में कि दीदी कितना साल हुआ है बताओ तो आप? 100 साल से ऊपर? मैं सही में बिलीव नहीं कर रहा था यार, आज से 100 साल से ऊपर हो सकता है बता? मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, खुद नहीं कर रहे ना, लेकिन सही में 100 साल से ऊपर हुआ है उसका उम्र। बाप रे बोलता हूँ मैं तो, इतना साल कोई जी सकता है बोल रहा हूँ मैं। हम लोग का वैसे लाइफ हो जाता 100 साल से ज्यादा जीते तो कहाँ से कहाँ तक देख लेते ना। हम लोग कुछ ना कुछ पुण्य किए थे तभी 100 साल से ज्यादा जी रहे हैं। हम लोग कहाँ क्या, 30 साल हमारा मान के चल, अभी 25-30 साल हो रहा है, फिर और 20-30 साल जियेंगे, उतना भी नहीं जियेंगे। और क्या हो रहा है दुनिया, मतलब अभी जो है, अभी जो समय है ना कलयुग हो गया है। ब्लॉग बनाएगा 102 साल में? ब्लॉग बनाऊंगा सही में बनाऊंगा मैं। मैं 102 साल का हो जाऊंगा और ऐसे ही ब्लॉग शूट करूंगा तो कैसे लगूंगा? तो 102 साल में तो हम ब्लॉग भी नहीं बना पाएंगे, हमारा इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, हमारा एनर्जी भी खत्म हो जाएगा। उस समय डंडा पकड़ के ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा उस टाइम, तो ब्लॉग बनाएंगे कहाँ से गाइस। तो अभी जितना बना रहे हैं मस्ती कर रहे हैं बस अभी ही है। उम्र होने के बाद तो हम नहीं बना पाएंगे मेरे ख्याल से ब्लॉग्स लोग, उम्र के बाद कौन बनाता है यार, रेस्ट करने की जरूरत है। तो चलो जा रहे हैं यहाँ से, रानी की स्कूल गई है तो उसको दीदी बोल रही है ला देना करके। तू कार चलाने जानता है? नहीं नहीं जानता हूँ चलाना ना भाचा, तू के लिए कार काटो। यार मेरा लाइफ में मैं एक चीज में नोटिस किया हूँ, मेरे पास जो रहता है तभी जाके मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, बाकी कार वार के लिए अभी सोच ही नहीं सकते माइंड में यार, इतना क्या ही बोलूं। लेगा ना कार तो मत करे, कार से चलाने के लिए सीखनी है। हाँ सही है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग आशीष के घर, वहाँ से जाएंगे भाची को लेने के लिए, फिर लाएंगे 1:40 में उसका स्कूल का छुट्टी है। यहाँ पे कितना ज्यादा मोटरसाइकिल है, सब लेने आए हैं। मैं यहाँ आया हूँ मतलब मेरी भाची को पता ही नहीं है। यहाँ पे ऐसा है ना कि मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ, सेम सेम ड्रेस पहन के आए हैं सब कोई। स्कूल लाइफ कितना मस्त लाइफ है यार, तेरे को लेने मैं आया हूँ पता है, तेरी मम्मी भेजी है। चल बैठ गाइस, मैं भाची को पिकअप कर लिया, आप जाते हैं डायरेक्ट, अब मिलते हैं घर में डायरेक्ट दीदी घर में। चल बैठ, तो चलो निकलते हैं अभी हम लोग। जब मैं 6th में था तब जाके ऐसे ही मेरे भाची लोग को लेके जाता था, तो वो दिन आज याद आ गया। स्कूल लाइफ कितना मस्त लाइफ है यार सही में। तो पहुंच गए हम लोग रानी को लेके घर। अब तू कितना टाइम से खेल रहा है यार, मत खेल यार ऐसे दोस्त प्लीज। पैसा क्या पैसा? तो चलो यहाँ से मैं निकलता हूँ दीदी, यहाँ से रानी का कार ना रानी। हाँ। ये रहा, कितना मस्त है यार, तुम लोग के पास तो कार है, हमारे पास ही नहीं है, पूरे डस्ट ना। हाँ ये रगड़ जाने से ऐसे ही होता है। तो ये रहा कार, हम भी खरीदेंगे, अभी कमाएंगे, अभी कम काम कर रहे हैं फिर हम लोग भी खरीदेंगे। मैं एक चीज देखा गाइस, अभी जैसे कार के मामले में जब हर घर में हर घर में एक ना एक कार रहना चाहिए, वो सेकंड हैंड हो या न्यू हो, क्योंकि ना मैं एक चीज देखा, फैमिली यदि कोई यदि किसी का मतलब तबीयत खराब हो जाता है या किसी का कुछ हो जाता है तो उस समय बहुत परेशानी जाता है कि मोटरसाइकिल में लो, और हमारे इधर अगल बगल बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। तो इस वजह से मैं एक चीज़ देखा, हर घर में मतलब एक 4-व्हीलर तो होना जरूरी है। हमारा औकात है यही, यही हमारा हैसियत है। बोलूँगा चल बाय रानी, बाय। तो मैं आ चुका हूँ घर गाइस, अभी बज रहे 7। देखो यहाँ पे ना क्या कर रही है पीस का, कल से छुट्टी है ना तुम्हारा, इसीलिए देख रही है कार्टून। हाँ कल छुट्टी है तो मम्मी भी यहाँ पे मस्त लेट के देख रही है प्रिस्का के साथ कार्टून। तो मैं अभी जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, मम्मी को और पापा को बुलाने आया था, पापा लोग नीचे सो रहे थे रेस्ट कर रहे थे, तो चलो अभी जाते हैं खाना खाते हैं मस्त। सब्जी बन गया, खाना वाना सब बन गया, जाते हैं मस्त दबा के खाते हैं, भाई भूख लग रहा है बहुत ज्यादा। आज का हम डिनर करते हैं, खाना खाते हैं, खाना सब्जी बन के तैयार हो गया और आ रहा है हमारे पास गर्मा गर्म खाना।
चलो खाते हैं फिर मिलते हैं। हम आ गए हैं अभी सोने के लिए। प्रिस्का तो मस्त कार्टून देख रही है तो मैं भी यहाँ पे बैठ गया। आज के व्लॉग यहीं एंड करते हैं। नाइट भी हो गया, बहुत रात भी हो गया और प्रिस्का भी जा रही है मस्त सोने के लिए। और कल इसलिए कार्टून देखने को इसको मिल रहा है क्योंकि कल इसका छुट्टी है, तो नहीं तो अभी तो इसको पड़ता तड़ाक तड़ाक। आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल में तो सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को फैला देना। वीडियो को एंड करते हैं, तब तक क्या करना है? बाय 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 बाय, गुड नाइट बाय। जब मैं सिक्स में था